हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ अपने घर पे और आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादातर ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं इसी वाले रूम से करती हूँ, आगे से नहीं करती हूँ क्योंकि आगे टीवी चल रही है इस टाइम पे और मतलब शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता रहता है ना, इसलिए ये वाले रूम में थोड़ी शांति सी रहती है, तो मैं यहाँ से करती हूँ। तो बस अभी हमें आए हुए हम लोग 4 बजे यहाँ पे आ गए थे, तो खाना पीना सब कुछ हो गया है, नाश्ता बना दिया था मम्मी ने, और नाश्ते के बाद खाना, तो खाने बनाया था मटन स्टू और ज़र्दा और रोटी, तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने खा ली हैं। और अभी बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं मम्मी से। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आज जो मेरी खाला हैं और मेरे जो चाचू हैं, तो उनकी है आज एनिवर्सरी, यानी कि मेरी जो खाला है उनकी शादी मेरे चाचा के साथ में हो गई है, तो आज उनकी एनिवर्सरी है। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी एनिवर्सरी कब मनाई जाती है। जब उनकी शादी हुई थी तब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, और एनिवर्सरी पहले कभी नहीं बनाई, तो याद रहे, है ना। जैसे किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो हमें याद रहता है क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इसीलिए याद रहता है। लेकिन चाचा चाची का, खाला बोल लो या चाची बोल लो, एक ही है, तो मतलब उन्होंने कभी एनिवर्सरी अपनी बनाई नहीं। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, मम्मी ने मुझे बताया कि आज तरन्नुम खाला का एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम सरप्राइज़ इनका एनिवर्सरी मना लेते हैं, क्योंकि और किसी को नहीं बताया है घर में। मैं और ये अभी अभी गए थे केक वगैरह लेने के लिए, नॉर्मल सा जो होता है बस केक वगैरह कट कर लेंगे और कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ, और तो बस यही है। और आज काफ़ी सालों के बाद उनकी शादी को, 2000 में उनकी शादी हुई थी और अब चल रही है 2020, तो 12 मार्च को उनकी शादी की सालगिरह बनाई जाती है, शादी हुई थी, बनाते तो नहीं है सालगिरह वगैरह कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आई हूँ तो इनको एक सरप्राइज था, एनिवर्सरी पार्टी रखते हैं आज। पापा हमारे अभी ड्यूटी हैं, पापा नहीं आए, पापा रात में ही आते हैं, ग्वालियर ड्यूटी जाते हैं वो, मुझे तो अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि सुबह ही निकल जाते हैं 7-8 बजे और शाम में आते हैं 10 या 11 बजे के समथिंग, रात में आते हैं घर पे, तो रात में मिलेंगे पापा से, बातें करेंगे और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। और अभी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को अपनी खाला से, मम्मी से। आप लोग भी एनिवर्सरी उनको विश कर दो। तो ये होता है ना कि जब घर में छोटी छोटी खुशियों से ही अच्छा लगता है, घर में वो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, घर में अच्छा लगता है ना। तो चलिए अभी मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी मम्मी से, खाला से। और आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने आप लोगों को अपने घर का होम टूर नहीं कराया है, तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो मेरी, उसमें मैंने होम टूर दिया है पूरा, तो उसमें देख लेना। अगर नहीं लगेगा तो आप लोगों को एक और मैं प्रॉपर होम टूर का वीडियो बनाकर शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह से। सो अभी चलते हैं आगे। तो ये है हमारी खाला, इनका हैप्पी एनिवर्सरी, इनको भी विश कर दो आप लोग। और मम्मी भी किससे बात कर रही है? तबसुम खाला से बात कर रही है मम्मी, वो भी आ जाएंगी, वो भी बोल रही थी कि मैं भी आ जाऊंगी। और आप लोगों को मैंने मिलवा दिया है और बस ऐसे ही दिखाया है अभी मम्मी को और खाला को, लेकिन शाम में मैं आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी, पापा भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ में बात ही करेंगे अच्छी अच्छी सी। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बैलून से डेकोरेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग एक सरप्राइज़ एनिवर्सरी पार्टी रखेंगे, लेकिन खाला को और चाचा को मालूम हो गया था, क्योंकि केक वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाता है सभी लोगों को, तो बस इसीलिए वो समझ गए थे। और बस मैं और जैकी भाई साथ में हेल्प करवा रही हूँ जैकी भाई की। और आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों के भाई बहनों के नाम कैसे हैं,
तो उनके एक दूसरे नाम भी हैं, लेकिन घर के नाम जो हैं वो यही हैं। और ये नाम मम्मी ने नहीं रखे हैं, हमारे जो पड़ोस में रहते थे या फिर मेरे जो चाचा हैं उन्होंने ही ऐसे प्यार से नाम रखे हुए इनके। और ये देखो मसाला से, ये जो सिंपल सा डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना। तो बैलून्स मुझे बहुत ज़्यादा थोड़े से लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सारे लगा देना चाहिए। तो ये है एनिवर्सरी केक, जो कि खाने दिखने में तो आप लोगों को यमी दिख ही रहा होगा, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी था ये। तो बस अभी बैठ गए हैं चाचा और केक कटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और तो बस आप लोग देख रहे हैं। ये जो चाचा हैं ये हैं सेकंड नंबर के चाचा, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो 5 भाई हैं, तो बड़े पापा, फिर मेरे पापा हैं, फिर मेरे एक और चाचा हैं, फिर ये वाले चाचा हैं। तो ये हैं, और खाला थोड़ा सा शर्मा रही हैं, क्योंकि पापा के सामने थोड़ा सा शर्माती हैं वो, इसीलिए अनकंफर्टेबल सा। और फिर कैमरे के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तो करते ही हैं लोग, क्योंकि कैमरे के सामने, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और फिर साथ में पापा भी थे, तो इसलिए थोड़ा सा शर्मा रही थी वो। और चाचा को अच्छा लग रहा था, और हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग एनिवर्सरी मनाएंगे। हम लोगों ने नहीं सोचा था, क्योंकि अभी तक उनकी एनिवर्सरी किसी ने बनाई ही नहीं थी, लेकिन अचानक से मेरा ही प्लान बन गया कि नहीं, चलो अभी तो खाला की एनिवर्सरी बनाएंगे हम लोग। तो बस पापा यहाँ पे दे रहे हैं उनको लिफाफे, क्योंकि सरप्राइज रखा था तो कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आ पाया था, तो हम लोग तो मार्केट चले गए थे, तो ले आए थे खाला के लिए गिफ्ट और चाचा के लिए भी साथ में। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इनसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ मनाते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता है कोई बर्थडे या फिर कोई भी प्रोग्राम में बड़ा ही किया जाए, बिग किया जाए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से भी कभी कभी अच्छा लगता है। और ये जो साड़ी आप लोग देख रहे हो, ये है मेरी खाला की शादी की साड़ी, जो उनके चढ़ावे में चढ़ाई गई थी। तो वो साड़ी मैंने उन्होंने उनसे बोला था कि नहीं, आप वही वाली साड़ी पहनना, और इसीलिए उन्होंने वही पहन लिया। और खाला मेरे लिए कभी मना नहीं करती, मैं उनसे जो भी कहती हूँ वो सब करती हैं। वो हमारा एक परिवार का हिस्सा है, ये भी ऐसा नहीं है कि मेरी खाला है या मेरी चाची हैं तो हम लोग उतना ही बना कर रखे, लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल हमारी मम्मी हैं जैसी ही, वो भी हैं हमारे लिए। हम लोगों का बचपन से ही उन्होंने बहुत ख्याल रखा है, और ज़्यादातर हमारे साथ में ही रहती हैं। तो बस केक कटिंग हो गया है, अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, उसके बाद में अब लगा रहे हैं नाश्ते की प्लेट। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ मम्मी की हेल्प, तो बस नाश्ते की प्लेट लग चुकी है, तो मैंने यहाँ पे दे दी है पापा के लिए, और अभी हम सब लोग भी खाएंगे। और हम लोग आपस में बस बातें कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं सभी लोग। काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ तो सभी लोग साथ में हैं, तो अच्छा लग रहा है।
तो बस अभी अभी केक कटिंग हो गया है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद, और आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे सब लोगों के साथ में। और मैं आप लोगों से बोल रही थी कि सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी रखते हैं, लेकिन हमारा जो प्लान था वो हो गया फेल। और खाला को पता चल गया था कि हम लोग केक वगैरह ले आए, तो इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि जब कोई कुछ करता है तो इतना अंदाजा हो जाता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है घर में, क्योंकि एक ही दरवाजा है, एक ही साइड है, एक ही फ्रिज है, तो फिर पता तो चल ही जाता है। ये जो रूम आप लोग देख रहे हो, तो ये पहले नीचे गद्दे वगैरह डाल दिए थे मम्मी ने, लेकिन अभी मम्मी ना बेड बना दिया है, तो डबल बेड जैसा बन गया है। दो पलंग हैं जो कि हमारे क्वार्टर पे डले हुए थे, और क्वार्टर पे काफी सारा सामान अभी पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो हम सोच रहे थे कि चलो वहाँ पे क्या ना कोई और रूम देखने आ रहा था वो वाला, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आप ये रहने के लिए आ रहे हैं तो अपना सारा सामान वहां से ले आते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें हमारी वहां पे पड़ी हुई है, हमारा जो बक्सा है, ड्रम है, टीवी है, एक कूलर, पंखा, और ऐसे टाइप के ये पलंग है, लोहे वाले पलंग, बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी डली हुई हैं। किचन का थोड़ा बहुत सामान है, बहुत सारी चीजें हैं तो वहां से नहीं लेकर आए थे हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ पे स्टोर रूम जैसा तो नहीं है, लेकिन जब ऊपर हम लोग बनवा लेंगे एक रूम स्टोर रूम तो हम लोग ले आएंगे वहां से। तो फिलहाल तो कोई देखने आ नहीं रहा था उस रूम को, लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक भैया आ रहे हैं उस वाले रूम में, तो वो रूम लोगों को खाली करना पड़ेगा और उसकी जो चाबी है वो हमें देनी पड़ेगी। बस अभी फिलहाल के लिए तो मम्मी ने ये 2 पलंग मंगवा लिए हैं वहाँ से, लोहे वाले पलंग हैं। अच्छा, पापा की बाहर ड्यूटी लगती थी ना, पहले पापा चौरा रहते थे, उससे पहले पापा कैलाकस रहे हैं, मतलब अलग अलग शहर में पापा की ड्यूटी लगी थी, तो पापा को क्वार्टर मिलते थे वहाँ रहने के लिए थाने पे, तो पापा ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी गृहस्थी सी इकट्ठी कर ली थी। वहाँ पे भी गैस सिलेंडर और जो भी खाने पीने का सारा सामान होता है, पलंग, कूलर, मतलब बहुत सारी चीज़ें पापा ने ऐसे इकट्ठी करके रखी थी वहाँ पे, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग ले आए थे। और पापा का ट्रांसफर हो गया था यहाँ मुरैना में, तो हम लोग ले आए थे यहाँ पे, और तो बस इसलिए ये जो सामान है एक्स्ट्रा में हो गया था और हम लोग फिर यहाँ पे ले आए हैं। तो ये अच्छा लग रहा है ना, डबल बेड जैसा बन गया है, मेरी फ्लो रख दिए हैं बहुत प्यारा सा। और अभी फिलहाल के लिए चाचा आए हुए हैं, तो चाचा की यहाँ पे बैग रखा हुआ है, एक पॉली रखी हुई है, और मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं जब बोल रही हूँ तो मुझे गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, इसीलिए मैंने कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी, आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसीलिए। और बस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी मुझे आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं अपनी खाला से और चाची से, चाची और खाला एक ही हैं, मैं अपनी खाला से और चाचा से और मम्मी से, पापा से, सभी से मिलवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी लोग टाइम सोने का हो रहा है, तो सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह इंशाल्लाह से ज़रूर मैं आप सभी लोगों को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मुरैना में क्यों आई हूँ, वो सारी बातें, और भी मेरी जो खाला हैं वो आने वाली हैं, और मेरी बाजी हैं, लवली बाजी, वो भी आने वाली हैं, मतलब एक एक दो दो दिन का गैप करके वो सब लोग आ जाएंगे। और क्योंकि लवली बाजी के बच्चे के, यानी कि मेरा जो फैजू है, मेरा भांजा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, 16 तारीख को उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो 16 की शाम को या 17 की मॉर्निंग में वो यहाँ पे आ जाएंगी। और जो मेरी खाला हैं, तबस्सुम खाला, वो रहती हैं गुना में, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उन्होंने मेरा गरारा सिला था, मैंने बताया था ना आप लोगों को, तो वो भी आ जाएंगी, आप लोग इकट्ठे होने वाले हैं घर में, और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी मिलने वाले हैं। हाँ, सो बस चलिए अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, कल मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी आप लोगों को। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।